बगदाद की सरजमीन पर एक नामी ग्रामी चोर था जिसका नाम इब्ने साबात था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता? एक दिन इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानूनी वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया। बाद में इसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से किया करते थे। वो कैद बमुशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही उसने अपना पेशा यानी चोरी को फिर से शुरू कर दिया। एक दिन वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाते के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी, जाय नमाज एक तकिया और चंद टोपियाँ रखी हुई थी, और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थाल, शाले और कपड़ों के थाल लावारसी की हालत में पड़े हुए थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछा कर इसके ऊपर थान रखे और एक गठरी बनाई और इसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से इससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हांफता हुआ बैठ गया। ऐन इसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठरी बनाता देख कर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने इसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठलियाँ बना ली। बड़ी गठरी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली। छोटी और कम वजन गठरी साबात को देख कर कहा कि तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वजन उठाओ और जहाँ कहोगे मैं इसे पहुँचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और सामान समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकी और इसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जैसे खड़ा हुआ और कमजोर की वजह से गिरने की माफ़ी मांगी। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुँचे जो बगदाद के चोर की पनाह का थी। इब्ने साबात बुजुर्ग से कहने लगा, देखो पहले चोरी करने मैं पहुँचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने बड़े अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो, अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानियों का बायस बना, जिसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। बस वो शख्स खुदा हाफिज कहकर शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्न सबात के दिलो दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के उसने अखलाक ने झंझोड़ कर रख दिया और ज़मीर की खलिश ने इसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुँचा जहाँ रात को इसने चोरी की थी, मगर वहाँ चोरी के बाद कोई भी नज़र ना आया, बल्कि लोग जोक दर जोक इस घर में एहतराम से जाते नज़र आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है? इसने कहा, लगता है तुम बगदाद के नहीं हो, ये बबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनेद बगदादी का आस्ताना है। इब्ने साबात ने नाम तो सुन रखा था मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्फाकन इस नेक बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूँ। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उमर रसीद साथी मसल्ले पर बैठा दर्स दे रहा था और लोगों से कमरा भरा हुआ था। इतने में अजान हुई, सब नमाज के लिए मस्जिद में जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्ने साबात बेखास्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुजरी हुई रात की बद अखलाकियों पर माफ़ी का तलबगार हुआ। हजरत शेख जुनेद बगदादी ने इसे ज़मीन से उठाकर अपने गले से लगाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, दरे तौबा अभी भी खुला है। इब्ने साबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख हल्का इरादत में दाखिल हो गया और वो हाथ कटा शैतान बगदाद का शातिर चोर शेख जुनेद बगदादी के जेर साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब इसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर के बजाय शेख अहमद इब्ने साबात के नाम से नहायत इज़्ज़त और एहतराम से जानते थे। इसी इब्ने साबात को एक मर्द खुदा जुनेद बगदादी के हुस्न अखलाक और किरदार ने चंद लम्हों में भी खासा खुदा की सफ़ में दाखिल कर दिया और बगदाद के चोर को चंद लम्हों में सीधी राह पर लाने की करामत का चर्चा ज़बान पर जद आम हो गया।